नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A25 5G versus Vivo S19 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A25 5G में 6.34 इंच जबकि S19 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A25 5G में 3.01 इंच जबकि S19 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A25 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A25 5G में 0.33 इंच जबकि S19 में 0.28 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A25 5G में 197 ग्राम जबकि S19 में 193 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A25 5G में सुपर एमोलेड जबकि S19 में एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A25 5G में 19:5:9 जबकि S19 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A25 5G में 6.5 इंचेस जबकि S19 में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A25 5G में 1080x2340px FHD+ और S19 में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A25 5G में 84.02% जबकि S19 में 89.63% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A25 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि S19 में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A25 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और S19 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A25 5G में माली G68MP 4 जबकि S19 में एड्रीनो 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A25 5G में Samsung Exynos 1280 और S19 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A25 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि S19 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A25 5G में अप टू 1TB जबकि S19 में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी A25 5G में 5000 mAh जबकि S19 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जिसमें कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,490 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें S19 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,300 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A25 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो S19 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में S19 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S19 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y200e 5G है, दूसरा टेक्नो कैमन 35G है, तीसरा Realme 12 Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।